हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे, बहुत खुश होंगे। सो आज है फ्राइडे, वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। सो एज यूजुअल फ्राइडे तो ऑलवेज फंडे होता है। सो अभी बजे हैं दोपहर के 2:30 और मैं आज दोपहर से शाम तक का मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये रूटीन अच्छा लगे। सो आज अभी तो यहाँ पे समर वेकेशन चल रहा है। सो मैं समर वेकेशन के हिसाब से दिखा रही हूँ कि इस फ्राइडे को मैं क्या क्या कर रही हूँ। सो अभी तो दोपहर के 2:30 बजे हैं, हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है, नहाना वहाना सब कुछ डन हो गया है। सो इस टाइम में मैं अभिरूप को अराउंड 1 आवर के लिए टीवी देखने देती हूँ और अब अनिरुद्ध को मैं नैप के लिए लेके जाती हूँ। अराउंड वो 45 मिनट्स तक सोता है। सो उसके बाद शाम को उठता है तो मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वैसे करके। और फ्राइडे को मैक्सिमम टाइम मेरे हस्बैंड घर से काम करते हैं तो वो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं और काफ़ी धूप हो गया है और यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हीट अलर्ट दिया है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 98 डिग्री फारेनहाइट जाने वाला है इस वीकेंड को। सो होप करती हूँ कि सब अच्छा ही रहे। बहुत ज़्यादा करके यहाँ पे बहुत लिक्विड लेने के लिए कहा गया है, पानी पीने के लिए कहा गया है और घर के जो सारे विंडो शेड वेड डाल के रख देने के लिए कहा गया है। सो होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा ही रहेगा। सो मैंने भी पूरा विंडो शीट वीट डाल के रख दिया है। मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा कड़ा वाला धूप आने लग गया है। सो अभी लाइक दोपहर से ही बहुत ज़्यादा धूप होने लग गया है और हीट बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सो सब जो मैनेजमेंट रहता है यहाँ पे बोल रहे हैं कि शीट वीट लगा के रखने के लिए, विंडो शीट लगा के रखने से थोड़ा ठंडा रहेगा घर और एसी पे ज़्यादा जोर नहीं रहेगा क्योंकि एसी भी ठंडा नहीं कर पाता है यूजुअली जब बहुत ज़्यादा हीट रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से धूप आता है तो विंडो मैंने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि हमारा ईस्ट फेसिंग है तो बहुत ज़्यादा धूप आती रहता है। तो अभी हम लोग उठ गए हैं दोपहर में, दोपहर का नैप लेकर अनिरुद्ध उठ गया है। सो इसके बाद मैं थोड़ा किचन क्लीन करूँगी क्योंकि किचन दोपहर में पड़ा हुआ है जो बर्तन, सो वो क्लीन करना है। उसके बाद मैं इसे दूध दूँगी और आज हम लोग डिनर में इडली डोसा इडली सांभर बनाने वाले हैं। सो इडली तो मैं रात को बनाऊंगी, अभी मैं सांभर का प्रिपरेशन कर लूँगी क्योंकि शाम को ये लोग थोड़ा खेलने के लिए निकलते हैं। सो खेलने से निकलने से पहले ही मैं सांभर बना के जाऊँगी। सो चलिए बने रहिए, मैं तब तक अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं बाहर निकलने से पहले आप लोगों से बात करती हूँ। You slept nicely? No. Oh no, why? Because I'm not gonna fall. Huh? I'm not gonna fall. What? I'm not gonna fall. किचन हमेशा ही शाम को क्लीन करती हूँ, दोपहर का जो हम लोग के लंच के बाद का जो किचन बचा हुआ रहता है। सो मैं अभी जो बर्तन है वो साफ करके रख दे रही हूँ। सो उसके बाद शाम को ये लोग जब खेलने के लिए निकलते हैं तो मैं भी उन लोगों के साथ निकलती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आते हैं शाम को। सो हम लोग बैठते हैं साथ में, थोड़ा बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और जो रात का जो डिनर का प्रिपरेशन है मैं तैयार करके निकलती हूँ क्योंकि आके उन लोगों को बहुत भूख लग जाता है। सो जल्दी जल्दी मैं क्लीन करी हूँ लंच डिनर का तैयार करने के लिए।
शीट है वो खुल जाने से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी उपाय है। ये पेपर क्लिप के थ्रू हम लोग ये सेलोटेप लगा देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ये फिक्स्ड करने का तरीका है। सो क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उज्ज्वल वही फिक्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी ये होते ही रहता है यहाँ पे। सो यहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं वो अगर इनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से वो लोग फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से बाहर साफ किया जाता है रोड्स को, इस तरह से रोड्स में जो धूल जमे रहते हैं सो इन इस तरह से वो लोग साफ करते हैं, और ये वीकली वीक में एक बार करते हैं ये लोग, और जो ग्रासेस है वो भी कट करते हैं। सो देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पे वीकली वंस साफ करते हैं। सांभर का प्रिपरेशन करने के लिए सब्जी को चॉप करके रखती हूँ। ये ड्रमस्टिक, गाजर, पम्पकिन, प्याज और जो बैगन है मैंने कट करके रखा है। सो इन सबको मैं सांभर बनाऊंगी, और ये इमली का पानी, इमली को भी मैंने भिगो के रख दिया है। आप देख सकते हैं अभी 5:30 बजे हैं, और मैं आज बहुत अच्छी तरह से नहीं शेयर कर रही हूँ ये सांभर और इडली का रेसिपी। मैं सेपरेटली अच्छी तरह से इडली और सांभर का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो देखिए अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी सांभर बना के जा रही हूँ, और मुझे बस आके गर्मा गर्म इडली बनाना है, क्योंकि बैटर ऑलमोस्ट मैंने तैयार करके रख दिया है। सो ये सांभर बहुत ही अच्छा बनता है, और मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ श्योरली शेयर करूंगी। सो अभी दूध पीने का इन लोगों का टाइम हो गया है। सो मैं ऑर्गेनिक मिल्क यूज़ करती हूँ ये लोगों के लिए, और मैं बच्चों को हमेशा खेलने जाने से पहले ये जो दूध है पी के जाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि थोड़ा शाम होता है उन्हें भूख भी लगता है, तो ये पी के जाने से उन्हें भी थोड़ा फीलिंग रहता है और एनर्जी रहता है खेलने के लिए। सो अभी ये लोग दूध पी रहे हैं। सो इन द मीन वाइल मैंने भी हमारे लिए चाय बना लिया है, मेरे और उज्ज्वल के लिए, क्योंकि शाम की चाय तो बहुत ही ज़रूरी रहती है। सो अभी चाय हम लोग पियेंगे और बच्चे अपना जो दूध है वो पियेंगे। सो इस तरह से मोस्टली मैक्सिमम हर शाम को हमारा ये रूटीन फिक्स रहता है, क्योंकि उज्ज्वल आते हैं उस टाइम में मैं चाय बनाती हूँ, और एट द मीन वाइल उन्हें भी दूध दे देती हूँ, तो जब तक वो लोग अपना दूध फिनिश करते हैं हम लोग चाय पीते हैं बैठ के। मैं इडली का बैटर बना के रख के जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बैटर बना था। सो
आप देख सकते हैं अभी 9 बजे हैं रात के और ये लोग अभी जस्ट खेल के आए हैं। सो मैं अगेन थोड़ा रोटी है, अनिरुद्ध उतना इडली खाना पसंद नहीं करता है तो मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ। वो बस खाता भी है तो एक ही इडली खाता है, सो उसी के लिए मैं रोटी बना के रख दे रही हूँ। मैक्सिमम टाइम मेरा यही रूटीन रहता है, मैं रात को आती हूँ, गर्मा गर्म रोटी उन लोगों के लिए सेकती हूँ और उज्जवल हेल्प करते हैं बच्चों को खाने में। सो ये रोटी बन गया। उज्जवल मेरा बहुत ही हेल्प करते हैं बाहर रहने में और उनके हेल्प के बिना काम करना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेड नहीं रहता है, तो साथ में ही मिलके करना बेस्ट है। सो अभी मैं वही किचन को क्लीन कर ले रही हूँ जब तक बच्चे खा रहे हैं। सो अभी वो लोग खा लेंगे, उसके बाद हम लोग भी खाना स्टार्ट करेंगे। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा सांभर बना था। सो सांभर बिल्कुल रेडी है और गर्मा गर्म इडली भी बन गया है। सो अभी हम लोग अपना डिनर खाएंगे और बस डिनर बन गया है, रेडी हो गया है। सो अभी हम लोग डिनर खाएंगे। सो अभी मैं किचन क्लीन कर ले रही हूँ, मैं अपने नाइट ड्रेस में आ गई हूँ। सो उसके बाद हम लोग यूजुअली किचन क्लीन करके मैं और उज्जवल थोड़ा नाइट को वॉक करने के लिए निकलते हैं और बच्चे उस टाइम में थोड़ा टीवी देखते हैं और हम लोग आसपास ही वॉक करते, एकदम घर के एकदम सामने वॉक करते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। सो ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ हो गया है। मैं यूजुअली को रात में किचन बिल्कुल साफ करके सोना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसे बहुत ही अच्छा सुबह सुबह क्लीन किचन मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह को किचन में एंटर करने में। सो देखिए मेरा गैस और जो किचन का जो ऊपर का पार्ट है बिल्कुल क्लीन है। मैं अपना नाइट में जो सोने से पहले अपने बालों को हमेशा टाई करती हूँ अच्छी तरह से और हमारा वॉक भी हो गया है। सो मैं हमेशा रात को अच्छी तरह से बाल को टाई कर लेती हूँ ताकि बाल टूटे ना। सो इसके बाद मैं फेस को अच्छी तरह से धो लेती हूँ और पानी से, क्योंकि बहुत गंदगी रहती है तो हमेशा आप लोग भी सोने से पहले हमेशा अपने फेस को अच्छी तरह से धो के सोएं। और मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ अपने फेस में, ये लॉरियल का है। सो बस ये ऐसा मेरा मैक्सिमम टाइम ये इवनिंग को रूटीन रहता है। सो अभी रात के 11 बजने जा रहे हैं और हम लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने बाल भी बांध लिया है और नाइट क्रीम भी लगा लिया है। सो आज मैंने अपना
पूरा लाइक आफ्टरनून से नाइट तक का जो रूटीन है हमने शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ। सो होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, और जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय। यू वांट टू से बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।